अपनी शानदार एक्टिंग से तापसी पन्नू ने बॉलीवुड में एक अलग पहचान बनाई है। इन दिनों तापसी अपनी आगामी फिल्म रश्मि रॉकेट को लेकर काफी चर्चा में है। मंगलवार की रात मुंबई में रश्मि रॉकेट का प्रीमियर हुआ। प्रीमियर नाइट में फिल्म के सभी सितारों का जमावड़ा लगा। मूवी की मेन एक्ट्रेस तापसी पन्नू एक अलग ही अवतार में इस प्रीमियर नाइट का हिस्सा बनी। तापसी ने ब्लू कलर का जंपसूट पहना हुआ था, उसके साथ एक जैकेट भी कैरी किया था। इस दौरान जब वहां मौजूद मीडिया ने तापसी से पूछा, उन्हें फिल्मों में बड़े कलाकारों के होने से हमेशा स्क्रीन स्पेस कम मिला है, पर इस बार रश्मि रॉकेट में उन्हें पूरा स्क्रीन स्पेस मिला है, तो उन्हें कैसा लग रहा है? तो इस सवाल को सुनकर तापसी चिढ़ गई और उन्होंने कुछ यूं रिएक्ट किया। मैंने कब बोला कि मेरे को म्यूजिक में स्क्रीन पे ज्यादा नहीं मिलता कि क्या कि मतलब आपको स्क्रीन पे ज्यादा नहीं मिला, पर इस बार कहां कब नहीं मिला भाई, मेरी पिक्चर उठा के देख लो। जो पिक्चर में रोल होगा तो उस हिसाब से स्क्रीन स्पेस मिलेगा ना। कई बार पूछा गया है तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूं, इस पिक्चर में तो मतलब आप ही पूरी हीरो होते हुए भी आप ही पूरी फिल्म की हीरो है, तो कैसा फील करती हैं इस चीज के? मैंने कभी इसको इस तरीके से नहीं देखा है। पिक्चर की जो कहानी थी, उसके किरदार का क्या जेंडर था, उसके बेसिस पे मुझे चूज किया गया या मैंने किया। अगर आदमी की स्टोरी होती तो आदमी ही होता। मैंने कभी उसको जेंडर के तरीके से नहीं देखा था कि अच्छा अब मेरे को मिल रहा है सेंटर स्टेज तो कैसा फील हो रहा है, तो नहीं, मैंने ये इस तरीके से मैंने बहुत पहले छोड़ दिया था सोचना। तापसी का यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि रश्मि रॉकेट फिल्म के ट्रेलर को दर्शकों से बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स मिला था। इस पर तापसी का कहना है, एक्चुअली बिग स्क्रीन पे मैंने थप्पड़ के बाद अभी देखा है अपने आप को, एंड ये है, ये भी OTT रिलीज है, सो इन अ वे एक्साइटमेंट होती है बिग स्क्रीन पे देखने की, बट वो जो बॉक्स ऑफिस का प्रेशर होता है वो नहीं होता है, तो वो एंग्जाइटी नहीं होती है, तो वो डिफरेंस है। बाकी तो आई थिंक दिस फिल्म वॉज मेड फॉर बिग स्क्रीन, हमने जब बनाई थी ये सोच के बनाई थी कि थिएटर में रिलीज होगी, तो उसका जो इम्पैक्ट है वो थिएटर पे अच्छा लगता है, इसलिए स्क्रीनिंग रखी गई सबके लिए। तो रिलीज होगी मैं जाके देख लूँगी भाई, बहुत टाइम हो गया रिलीज हुए पिक्चर थिएटर में, जो भी रिलीज हो रही है मैं जाके देख लूँगी। बीच में जब पिक्चरें रिलीज होनी शुरू हुई थी तो मैंने 1 जनवरी 2021 को जाके वंडर वुमन देख ली थी थिएटर में, ये सोच के कि 1 जनवरी को जो होता है जो करते हो वो पूरे साल होता है, अब उसके साथ पूरा साल तो हुआ नहीं, तो अब जो भी आएगी मैं देख लूँगी। तो मतलब आप ही पूरी हीरो होते हुए भी आप ही पूरी फिल्म की हीरो है, तो कैसा फील करती हैं इस चीज़ के? मैंने कभी इसको इस तरीके से नहीं देखा है। पिक्चर की जो कहानी थी, उसके किरदार का क्या जेंडर था, उसके बेसिस पे मुझे चूज किया गया या मैंने किया। अगर आदमी की स्टोरी होती तो आदमी ही होता। मैंने कभी उसको जेंडर के तरीके से नहीं देखा था कि अच्छा अब मेरे को मिल रहा है सेंटर स्टेज तो कैसा फील हो रहा है, तो नहीं, मैंने ये इस तरीके से मैंने बहुत पहले छोड़ दिया था सोचना। अभी तक तो बहुत अच्छा ही रिस्पॉन्स है रियल, तो आई जेन्युइनली वेट फॉर 15 बिकॉज जनता बताती है रियल तो कि क्या होने वाला है, तो अभी तक तो गेस्ट एंड हमारे जो कास्ट क्रू फैमिली मेंबर्स सब ने जो देखा है वो अच्छा ही रिस्पॉन्स है, बाकी रियलिटी तो 15 के बाद पता चलेगी। आपने देखी फिल्म? जी हाँ देखी। क्या कहना चाहेंगे अपने एक्टिंग के बारे में? मैं कभी अपने एक्टिंग के बारे में ग्रेट नहीं बोलती हूँ, मुझे कभी ऐसा लगता नहीं है कि मैंने वही फैंटास्टिक काम कर दिया, मुझसे बेटर एक्टर तो कोई है ही नहीं इस दुनिया में, ऐसी फीलिंग्स मुझे अपने बारे में बिल्कुल नहीं है। रश्मि रॉकेट 15 अक्टूबर को Z5 पर रिलीज हो रही है। यह एक युवा लड़की की कहानी है जो एक छोटे से गांव से संबंध रखती है, लेकिन ऊपर वाले ने उसे एक अविश्वसनीय रूप से बड़े उपहार से नवाजा है। प्रीमियर नाइट में तापसी पन्नू के साथ हथौड़ा त्यागी नाम से मशहूर हुए अभिनेता अभिषेक बनर्जी भी नजर आए। तापसी के अन्य प्रोजेक्ट की बात करें तो शाबाश मिठू, लूप लपेटा, ब्लर और एनाबेला सेतुपति शामिल हैं।